सुबह के जल्दबाजी में बनाए केवल 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही हेल्दी काफ़ी टेस्टी नाश्ता। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, सभी को खूब पसंद आएगा। तो एक बार इस हेल्दी टेस्टी नाश्ता को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए नाश्ता बनाना हम शुरू करते हैं। हमें ले लेना है 2 आलू, ये मीडियम साइज़ का आलू है। हमें आलू को छील लेना है, इसका छिलका हटा लेना है और इसे हमें वॉश कर लेना है, पानी से धो लेना है। और अभी हमें इसे ग्रेट करना है, कद्दूकस करना है। तो एक बाउल में ले लेना है पानी और इसे हमें डायरेक्ट पानी में इस तरीके से कद्दूकस करना है जिससे आलू जो है ना काला बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं सारे आलू ग्रेट हो चुका है। तो अभी हमें इसे 3-4 पानी अच्छे से वॉश करना है, मसलते हुए साफ कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं पानी एकदम साफ है, आलू अच्छे से धुल चुका है। तो अभी हमें इसे पानी को निचोड़ते हुए एक बाउल में निकाल लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अगर पसंद हो तो डालें, नहीं तो इसके बगैर भी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। और डाल देना है हमें इसमें 1 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, इसे हो सके तो ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन अदरक, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 कटोरी गेहूं का आटा, ये लगभग 150 ग्राम गेहूं का आटा है। आप कोई भी कप या कटोरी से डाल सकते हैं, आटा हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/2 कटोरी चावल का आटा, इससे जो नाश्ता है बहुत ही क्रिस्पी बाहर से बनता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है। अभी मसाले डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से है, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच हमें इसमें डाल देना है हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ। और अभी हमें इसे थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका बैटर बनाना है। बैटर बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें मिक्स करना है। ये काफ़ी आसानी से मिक्स हो जाता है। तो एक बार इस हेल्दी बहुत ही टेस्टी नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए सभी को पसंद आएगा। काफ़ी झटपट बन जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे और बड़ों सभी को पसंद आएगा। तो जैसे देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना रही हूँ। बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए तभी रेसिपी जो है ना बहुत ही बढ़िया बनेगा। देख सकते हैं काफ़ी अभी ठीक है, ऐसा ही हमें बैटर चाहिए इस रेसिपी के लिए। इससे पतला हमें बिल्कुल नहीं करना है, अगर पतला हो गया हो तो थोड़ा बहुत आटा डालकर मिक्स कर लीजिए। और अभी हमें गैस पर चढ़ा देना है तवे को, तवे को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। आप कोई भी तवा ले सकते हैं, लोहे के तवे पे भी रेसिपी को आप बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल हमें इस तरीके से फैला लेना है और इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तवा गर्म हो चुका है तो अभी हमें इस पर बैटर को डालकर फैलाना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा रहने देना है। इस तरीके से हमें हल्का प्रेस करते हुए इसे फैला लेना है। जहाँ आपको मोटा लगे वहाँ हल्का प्रेस कर देना है, जहाँ पतला लगे वहाँ थोड़ा सा बैटर डालकर इसे हमें फैला लेना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से फैल चुका है। तो अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है। इसके ऊपर हमें डालना है थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है।
आप घी भी लगा सकते हैं। अंदर से हल्का ये पक चुका है तभी हमें इसे पलटना है, अगर जल्दबाजी कीजिएगा तो ये टूट सकता है। तो देख सकते हैं अंदर साइड कितना अच्छा कलर आया है। तो अभी हमें दोनों साइड अच्छे से इसे क्रिस्पी होने तक पकाना है, इसी तरीके से सेकना है। थोड़े देर बाद हमें इसे पलटना है। तो देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये काफ़ी अच्छे से पका हुआ है, इसमें बहुत ही सुनहरा बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, ये अंदर तक कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसे तवे से निकाल लेना है। मैं एक और नाश्ता आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं थोड़ा सा हमें तेल लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और अभी हमें बैटर को डालकर इसे फैलाना है। इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को बनाना है। तो है ना एकदम झटपट बनने वाला नाश्ता, और खाने में गाइस बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे अक्सर ना लंच बॉक्स में नाश्ता ले जाने के लिए मना कर देते हैं अगर रोटी दीजिएगा तो इस तरीके से बनाकर उन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हैं। टाइम भी कम लगता है, काफ़ी हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, और बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। तो एक बार इस मज़ेदार नाश्ता को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे अपने पसंदीदा चटनी, सॉस या अचार के साथ सर्व करें, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।